बेटे के सहयोग से बनी पिता की वेब सीरीज़। जी हाँ, हम यहाँ पर इंदिरा नगर में बैठे हुए हैं, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो नाम अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा ने तकरीबन 100 से अधिक इनकाउंटर किए हैं। आज हम उनसे बात करने के लिए उनके घर पे मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि 150 से अधिक जो इन्होंने इनकाउंटर किए हैं और उसमें एक वेब सीरीज़ भी बनी है, तो क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने 150 से अधिक इनकाउंटर किए हैं, आपसे ये है कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको किस इनकाउंटर में आई है? देखिए, हर इनकाउंटर में कुछ ना कुछ परेशानी आती है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि अपराधी को खोजना, उसके बारे में जानकारी निकालना, उसका क्या इसकी हिस्ट्री है, और फिर एक अचानक मुठभेड़ होना, तो दिक्कतें रहती हैं। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, बहुत से केसेस ऐसे हैं तो नहीं हुई है। वो ये लगा कि यार यहाँ पर जो हमें बड़ा जान का ख़तरा हो रहा है, अभी हमें कैसे प्लानिंग करना चाहिए और कैसे उसको गिरफ्त में लेना चाहिए? देखिए, जान का ख़तरा तो काम ही ऐसा है कि जब आमने सामने गोली चलती है तो जान का ख़तरा तो बना ही रहता है। लेकिन वो जब आमने सामने जब मुठभेड़ होती है तब परिस्थितियाँ दिखती हैं कि कितना ख़तरा अब है और क्या करना चाहिए। वो तो विवेक के अनुसार किया जाता है, टीम के सहयोग से किया जाता है, और बस पूरा हो जाता है लक्ष्य। आपके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनी है, आपके नाम से बनी है, इंस्पेक्टर अविनाश। तो क्या सोच आई, कैसे ये वेब सीरीज़ बनने का इरादा किया गया? मेरा कोई इरादा नहीं था, न मैंने कभी सोचा था। मेरे पास अपने द्वारा किए गए कामों का भी कुछ लेखा जोखा नहीं था। मेरे क्योंकि मैं बॉम्बे बहुत काम से जाता था, तो मेरे एक वहाँ मित्र बन गए नीरज पाठक, जो इस वेब सीरीज़ के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। तो वो सज्जन आदमी हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, लेकिन वो मेरी कहानियाँ बैठ के मुझसे कहते थे भाई साहब सुनाओ, तो मैं उनको सुनाता था। तो बड़ा इंटरेस्ट लेके वो सुबह 4-4 बजे तक सुनते थे। इधर मेरे बेटे ने एक फाइनेटिक मीडिया प्रोडक्शन हाउस बना रखा था, तो उसको कुछ ऐसा लगा कि पापा को वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए काम के अनुसार। लेकिन उसको ये नहीं पता, मैंने बताया कभी या उसने जान पाया कि मैं हमेशा मीडिया या इस मतलब पब्लिसिटी से मैं दूर रहता हूँ। तो उसने नीरज पाठक जी से बात की और इन लोगों की आपस बात है, इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने ओके कर दी, तो इसमें सीरियस होके लग गए ये लोग। और फिर फाइनेटिक मीडिया और गोल माउंटेन नीरज जी की कंपनी में एग्रीमेंट हो गया। नीरज जी ने जियो सिनेमा से बात की, जियो सिनेमा ने फर्स्ट मीटिंग में ही ओके कर दिया इसको, और ये फिर शुरू हो गई। रंजीव हुड्डा जी को, क्योंकि वो ऐसे आर्टिस्ट हैं कि वो तो एक बार किसी का रोल सुन लें तो उस पर उतर जाते हैं, तो ये तो उन्होंने मेरे साथ बहुत वक्त गुजारा था। तो शायद अगर आप लोगों ने देखा होगा या जो लोग मुझे जानते हैं, उनका तो यही कहना है कि हूबहू आपकी कॉपी की है उसने। आपने यूपी में बहुत से इनकाउंटर आपने किए हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो पुलिस की आंखों का कंकर बना हुआ था श्री प्रकाश शुक्ला, उसको आपने इनकाउंटर में बताया गया है कि आपकी अहम भूमिका रही, तो क्या कुछ उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए, क्या कुछ वहाँ पर हुआ था? देखिए, हम लोग एसटीएफ से पहले ही एक टीम थी जिसमें सत्येंद्र सिंह, राजेश पांडे, तेवतिया जी, मैं और स्टाफ के लोग काम कर रहे थे। उसके बाद फिर आप लोगों को मालूम ही है एसटीएफ क्यों बनी, और जिस वजह से बनी, जिन कारणों से बनी, उसमें मुख्य कारण एक श्री प्रकाश शुक्ला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे पूर्व, तो बड़ा हार्ड कोर क्रिमिनल था, बहुत चालाक था, और प्रेशर भी था इसको किसी तरह से भी पकड़ना है, जो भी है। काफ़ी समय लगा इसको, नेपाल, बिहार, झारखंड, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, काफ़ी प्रयासों के बाद फिर ये इंदिरापुरम गाजियाबाद में इसी टीम ने मारा जो मैंने नाम बताया। अच्छा, किसी इनकाउंटर में कोई बेगुनाह भी मरा है? नहीं, मेरी नज़रों में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा काम बड़ा सोच समझ के रहता है,
अगर मुझको ज़रा सा भी कोई संशय रहता है तो फिर मैं वहाँ से पीछे हट जाता हूँ जब तक कि मैं उसको एक बार और तस्दीक न कर लूँ। अच्छा, इस वेब सीरीज़ का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? इस वेब सीरीज़ का क्रेडिट देखिए, मेरे बेटे ने शुरुआत की तो उसका तो है, और नीरज पाठक जी का, रणदीप हुड्डा का, और जितने इसमें सारे आर्टिस्ट हैं, दुग्गल हैं, अजय हैं, नामदार जी हैं, और जो टीम पूरी है सबने बहुत अच्छी मेहनत की, लोगों को आगे भी बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक पुराने लखनऊ के जो अभी धीरे धीरे उभर रहे हैं, उभरते हुए स्टार हैं, वो सरताज आलम, आपने उनको भी बढ़ावा दिया है, तो इसमें इस पर आपकी क्या मतलब क्या कहना है इस पर आपको? देखो, मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि मेरी टीम के जो भी मेंबर हैं वो जितना अच्छा काम सीख लें, जितना अच्छा वो अपने को इस्टेब्लिश कर पाएँ, जितना उनका नाम हो, उनका प्रमोशन हो, तो मुझको बहुत खुशी होती थी। इसी तरह पब्लिक का आदमी जो मेरा सहयोग करता था या जिसकी सहयोग की वजह से मुझे कुछ प्राप्त होती थी सफलताएं, तो मैं उनको हमेशा आगे बढ़ाता था, है ना। अभी आपने जिनका नाम लिया सरताज का, तो मैंने उनको बढ़ाया, सही बात है, लेकिन मैंने कोई एहसान नहीं किया है, उन्होंने भी मेरे काम को आए हैं, तो ये होना चाहिए। ये नहीं है कि अब आप डिपार्टमेंट में हैं, एक पावर में हैं, तो कोई मजबूरी में आपका साथ दे रहा है, ये नहीं समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ठीक है, अपनापन है, साथ दे रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि फिर मैं उनका सपोर्ट करूँ। यहाँ पर लोगों का साथ देना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है, अगर उसकी क्षमता है, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर सरताज आलम जो पुराने लखनऊ से हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताते हैं कि अविनाश जी ने उनकी बहुत मदद की है, उनको आगे बढ़ाने में मदद की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। पुराने लखनऊ कश्मीरी मोहल्ले के रहने वाले सरताज आलम उभरते हुए कलाकार हैं। कुछ महीने बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में भी, जो वेब सीरीज थी उसमें भी उन्होंने काम किया। ऐसे ही कई वेब सीरीज में वो छोटे छोटे रोल कर चुके हैं और वो अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सरताज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वेब सीरीज के बारे में? आपने इसमें भी रोल किया है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, कहना मैं यही चाहूँगा कि सर ने हमेशा हमारा क्या सभी का सहयोग किया है और सबको साथ लेके चले, सर के बहुत एहसान हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरीज़ में भी जो भी हमने काम किया है वो सब सर ने ही अप्रोच किया था आगे, जिसके माध्यम से हम इसमें जो भी मेरे फोटेज हैं, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ ऊपर वाले का, क्योंकि सर पे वेब सीरीज़ बनी है, रणदीप हुड्डा जी हैं साथ में, रियल के बीच में मैंने काम किया, तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम यही आशा करेंगे, यही दुआएं भी करेंगे आपकी ये फिर वेब सीरीज़ जो है जल्दी से तैयार हो, दर्शकों तक पहुंचे और ये बहुत कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़े, और हम आपके लिए भी दुआ करेंगे आप भी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ें, कामयाब हों आप लोग इसी तरह से। मगर एक आपको जो लोग हैं कि जो क्रिमिनल हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ जो है नतीजा होता है सिर्फ मौत, पुलिस की गोली पर उनका नाम लिखा होता है। तो इस तरह के जो हरकत हैं फिल्म देखने के बाद, इसको अपनाए मत, वो चीज़ें देखें जो आपके लिए हैं, जो समाज में अच्छा हो रहा है उसको अपनाएं, ना कि आप जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है फिल्म, तो उसको ना अपनाएं, वेब सीरीज़ देखें, इंजॉय करें। मैं वकार हुसैन, पावर ऑफ जन अधिकार से।